फ्रॉम चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड। तो वो फुटबॉल क्या है वो उनको पता नहीं कि फुटबॉल क्या है, कौन सा प्लेयर अच्छा प्लेयर है, कौन खेल रहा है, कितना क्या है, क्या फैसिलिटी, कुछ नहीं। क्रिकेट पर हाँ ये विराट कोहली है वो। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई भी आदमी और कोई भी प्लेयर नीचे से खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली जो रूरल का जो बच्चे लोग हैं और जो स्किल प्लेयर हैं और जो बाहर जाके भी कुछ बच्चे हैं जो खेलते हैं क्लब में, वो यहाँ से इंडिया से खेल सकते हैं। वो दास मुंशी के समय फुटबॉल बहुत आगे जब गया था, लेकिन अब आस्ते आस्ते डाउन हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक क्या सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक हमेशा सपोर्ट करती है क्रिकेट को, इसी के लिए फुटबॉल को वो इतना प्रायोरिटी नहीं देती है। इंकरेजमेंट चाहिए, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब होने से इम्प्रूव हो पाएगा। विराट कोहली को देखिए उसका नेटवर्क कितना है। अच्छा। लेकिन सुनील छेत्री का नेटवर्क कितना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट भाई ने किया। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रसमिंदर आपका भाई, आप सबको आपका चैनल मैचो नेशन टीवी पर फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो फुटबॉल के ऊपर रखा है, आपको पता लगे होगा कि फुटबॉल मेरा हाथ में। तो बेसिकली मेरा टॉपिक ये है कि क्यों फुटबॉल इंडिया में सक्सेस नहीं होता, क्यों लोग दीवाने होते हैं क्रिकेट के पीछे, हॉकी और फुटबॉल को इग्नोर करते हैं, क्या वजह हो सकते हैं और गवर्नमेंट का क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए। इसके लेकर आज पूरा इंडिया के उड़ीसा के आवाम से मैं बातें करूंगा और उनका ओपिनियन लूंगा, और मेरा जो ओपिनियन है जैसे मैंने बताया वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद में। आपका नाम? यार पुरोहित। सर आपको भी सेम सवाल है, आपको क्या लगता है क्यों इंडिया में फुटबॉल सक्सेस नहीं होता है, हॉकी सक्सेस नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम में क्रिकेट के बारे में बात करते तो क्रिकेट बहुत सक्सेस होता है, क्या वजह हो सकते हैं? बिल्कुल। फ्रॉम चाइल्ड। तो फुटबॉल क्या है वो उनको पता नहीं कि फुटबॉल क्या है, कौन सा प्लेयर अच्छा प्लेयर है, कौन खेल रहा है, कितना क्या है, क्या फैसिलिटी, कुछ नहीं। क्रिकेट पर हाँ ये विराट कोहली है वो, ये आजकल वुमेन्स क्रिकेट भी फेमस हो गया है, पैसा भी है, जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं मिल रहा है, स्कूल लेवल पे वो फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल। कि फुटबॉल के अवेयरनेस लाएँ, खिलाएँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। है तो ये जो बिल्कुल आप जो बोला कि स्कूल लेवल या फिर फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ हमको वो प्रैक्टिस नहीं होता है कि जिसकी वजह से हम आने वाले दिनों में हमारा हबी चुटड़ी हो सकते, लेकिन क्या वजह हुआ, रीजन क्या है, मतलब सरकार की तरफ से कोई इंटरेस्ट या फिर हमारे अंदर में वो गवर्नमेंट, देखिए आज के टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से भी ये फुटबॉल के लिए थोड़ा बहुत ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो पेरेंटियल जो है वो पेरेंट्स भी उसी हिसाब से होना चाहिए। हाँ, कि हम अच्छी ठीक है हम लोग को कि अगर हम लोग बच्चे लोग फुटबॉल के लिए डालें, टेनिस के लिए डालें, सब के लिए डालें, लेकिन फुटबॉल क्या है वो एक साइड हो गया अभी। इसलिए क्रिकेट जितना इम्प्रूव है, जितना स्पॉन्सर मिल रहा है, जितना स्कूल लेवल से सब कुछ चल रहा है, स्कूल लेवल पे ये मैच होने से भी कोई स्पॉन्सर आ जाता है, बट फुटबॉल के लिए कोई नहीं है, या लोकल मैच जो होता है उसमें कोई नहीं है होता है, इसलिए थोड़ा बहुत वो एनकरेजमेंट चाहिए, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब होने से इम्प्रूव हो पाएगा। वेस्टर्न कंट्री के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं उनका जो मतलब ग्राउंड से शुरू होता है फुटबॉल, मतलब उनका खून में फुटबॉल होता है, वो क्या कल्चर या क्लाइमेट या फिर कुछ कल्चर दैट इज मेंटेलिटी ओनली। हम लोग का मेंटेलिटी ये नहीं कि हम लोग फुटबॉल खेलें आधा घंटा एक घंटा हार्ड वर्क कर दें, वो नहीं है। हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बच्चा जो लोग आजकल माँ बाप क्या करते हैं, पीछे गाड़ी में बिठा के पैड लगा के लेके जाते हैं किसी के पास कोचिंग के लिए छोड़ के आते हैं, लेकिन फुटबॉल के लिए आधा घंटा नहीं देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक क्या सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा पब्लिक हमेशा सपोर्ट करती है क्रिकेट को, इसी के लिए फुटबॉल को वो इतना प्रायोरिटी नहीं देती है, मगर फुटबॉल जो है हमेशा जो रूरल एरिया में है वो अभी तक हम लोगों ने अच्छी तरह देखा नहीं है कि लोगों का स्किल क्या है रूरल एरिया में। बिल्कुल। स्पेसिफिकली जो हम लोगों का वेस्टर्न उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेयर लोग, केरला का जो लोग हो गए, तो उनको जितना ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे उतना अच्छा होगा, और हमारा जो फुटबॉल का जो गेम है वो हमारा धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। देखिए फुटबॉल सबसे बढ़िया गेम है, और हमें जो पता है कि डेवलप्ड कंट्री हमेशा फुटबॉल को ही सपोर्ट करता है। बिल्कुल। हम लोग इंडियन है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी हम लोग फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी तक फुटबॉल के बारे में अच्छे तरह से मतलब कि नॉलेज नहीं है उसके बारे में, इसलिए हम लोग प्राइमरी में हम लोग क्रिकेट के ऊपर ही हम लोग उसको। अच्छा ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो वेस्टर्न कंट्री में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे मुल्क हैं जिसका प्रायोरिटी सबसे पहले होता है कि फुटबॉल, अगर बच्चा पैदा होते तो उसके बाद उनका ट्रेनिंग शुरू होता है फुटबॉल से, लेकिन इंडिया और एशियन कंट्री की अगर हम बात करूँ पर्टिकुलरली तो हमारे यहाँ पे क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम या फिर हमारे क्लाइमेट या फिर हमारे जो कल्चर होता है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता होगा, इसी वजह से शायद हम फुटबॉल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते? ठीक है, सब जगह पे एट द सेम टाइम अगर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इसको ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या सर्विस देंगे, जैसे कि मान लो फुटबॉल के लिए ग्राउंड होना चाहिए या फिर मैन पावर सपोर्ट होना चाहिए या फिर ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हो गए तो हमारे प्लेयर जो प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई भी
आदमी और कोई भी प्लेयर नीचे से खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली जो रूरल का जो बच्चे लोग हैं और जो स्किल प्लेयर हैं, जो बाहर जाके भी कुछ बच्चे हैं जो खेलते हैं क्लब में, वो यहाँ से इंडिया से खेल सकते हैं। फुटबॉल क्यों फेलियर होता है और क्रिकेट क्यों सक्सेस होता है, क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? देखिए वो दो बात है। बिल्कुल सर। वो एक है गवर्नमेंट का सपोर्ट, दूसरा है हमारा जो सिस्टम है हमारा तो इंडिया, वो दास मुंशी के समय फुटबॉल बहुत आगे जब गया था लेकिन अब आस्ते आस्ते डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है। वजह है कि हमारा सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोत्साहन हमारा लड़का को नहीं मिलता। अब देखिए जो बॉम्बे में एक टीवी चैनल में आया था कि गोली क्रिकेट, गोली गोली में क्रिकेट खेला, क्यों हो नहीं हो अब तक हो गया जो गोली गोली में फुटबॉल खेल नहीं हो रहा है, उसका वजह है उसको वजह क्या है ना, हमको प्रोत्साहन वो सरकार के तरफ से भी प्रायोरिटी देना चाहिए। क्रिकेट को जितना मिलता है पैसा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उतना भी फुटबॉल को मिलना चाहिए। एक विराट कोहली को देखिए उसका नेटवर्क कितना है। अच्छा। लेकिन सुनील छेत्री का नेटवर्क कितना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट भाई ने किया है। हाँ रहते भाई, आपका नाम? राहुल भट्ट। राहुल भट्ट भाई, आपका क्या ख्याल है क्यों फुटबॉल सक्सेस नहीं होता है इंडिया में? ये तो इंडिया के लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जितना फ्रेंचाइजी क्रिकेट को दिया जाता है उतना ही फ्रेंचाइजी फुटबॉल को मिल रहा है, तो फुटबॉल डेवलप कर। मतलब आपको कहना मतलब ये है कि क्रिकेट के पीछे जितने फ्रेंचाइज लोग आते हैं या फिर क्रिकेट को लेकर जितना फ्रेंचाइज सपोर्ट करते हैं उतना अगर फुटबॉल के लिए जील होता, जिगर दिखाते, उनका इंटरेस्ट दिखाते, शायद ये फुटबॉल भी क्रिकेट जैसा हमारी इंडिया में हो सके। तो और क्या मतलब आप चेंजेस क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लो क्रिकेट का जो लीग होता है उसको थोड़ा कम कर दो, फुटबॉल की ऐड कर। टूर्नामेंट चल रहा है वो टूर्नामेंट फुटबॉल का चल रहा है नहीं क्रिकेट का चल रहा है, क्रिकेट के लिए वो ज़्यादा पैसा मिल रहा है। बिल्कुल। वो ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जितना क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है उतना फुटबॉल टूर्नामेंट होगा तो विलेज और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट जो भी क्रिकेट हो रहा है सबको डेवलप करेगा, सबको डेवलपमेंट करेगा। तो ये जो चीज़ें आप देखिए आप विचार कीजिए, तो मेरा जैसे मैंने बताया था वीडियो के लास्ट में मेरा ओपिनियन होगा, तो मेरा ओपिनियन यही है सरकार क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल के ऊपर अगर उतना इंपोर्टेंस देगी सो देट आने वाले दिनों में हो सकता है हम भी इंटरनेशनल मैच क्वालिफाई कर पाए या फिर फीफा वर्ल्ड कप में जा सके, ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपका कोई पर्सनल कमेंट है वीडियो को नीचे बता सकते हैं। ये था आज का वीडियो, फिर एक मिलेंगे नया के कंटेंट के साथ, नया के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।